स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि माइक्रम से हम बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं। मैंने माइक्रम से बेहद सुंदर बटरफ्लाई बनाई है, आप भी बना सकते हैं और बेहद जल्दी तैयार हो जाती है और स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ बताई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। देखिए पूरी वीडियो जिससे आप लोग आसानी से बना सकते। देखिए बटरफ्लाई बनाने के लिए 5x5 कॉर्ड यूज किए हैं, 5x5 माइक्रम के तागे और 1-1 मीटर में मैंने ये कट किए हैं। 4 पिंक कॉर्ड, 4 रेड कॉर्ड और 2 ग्रीन कॉर्ड यूज किए हैं। देखिए लगाने का, देखिए इस तरीके से हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हम सभी कॉर्डों को अटैच करेंगे, 2 पिंक 2 रेड एंड 1 ग्रीन। तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी मल्टी कलर ले सकते हैं और एक ही कलर में भी आप बना सकते हैं, बटरफ्लाई काफ़ी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से सभी को अटैच करके दिखाती हूँ और फिर हम पाइपिंग करते हैं। तो पाइपिंग कैसे करते हैं पूरी वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पहले कॉर्ड को उठाइए और उसको इस तरीके से पाइपिंग हम करेंगे। पाइपिंग की अलग से वीडियो भी मैंने अपलोड की है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड कर दूँगी, उसमें भी आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अंदर की ओर ले जाइए और फिर इस तरीके से निकालना है। पाइपिंग को आप थोड़ा टाइट कर लीजिए जिससे कि लुक अच्छा आए। इस तरीके से हमने पाइपिंग करनी है। ये देखिए इस सभी कॉर्डों को लेना है एक एक करके, किसी भी कॉर्ड को छोड़ना नहीं है। अभी कॉर्ड लीजिए एक एक करके और पाइपिंग कंप्लीट कर दीजिए। देखिए मैंने इसमें 2 पिंक 2 रेड और 1 ग्रीन कलर का कॉर्ड अटैच किया हुआ है। इसी तरीके से आप मल्टी कलर में किसी भी कलर के बना सकते हैं और अगर आप प्लेन कलर का बनाना चाहो तो प्लेन कलर का भी आप बना सकते हो। ये देखिए मेरी 1 पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। 1 पाइपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस कॉर्ड को हम इस तरीके से लेंगे और पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं आप मेरी ये पाइपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर पाइपिंग कंप्लीट की थी इस वाले कॉर्ड को भी इस तरीके से लेके पाइपिंग कंप्लीट, इसमें भी हमने इस कॉर्ड से भी पाइपिंग करनी है। ये देखिए हमारी पाइपिंग की 2 लाइनें कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 3rd कॉर्ड लेना है और पूरी पाइपिंग करनी है। पाइपिंग इस तरीके से टाइट कीजिए जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आए। अब जो ऊपर वाला है इस वाले को भी लेंगे हम और पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने इस कॉर्ड को पकड़ना है फिर पाइपिंग कंप्लीट करनी है। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको लेंगे और अपना रो कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी पाइपिंग की 5 लाइनें कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5। देखिए इधर का तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस रखिए आप, बीच में ज़्यादा मत रखिए बट थोड़ा सा रखिए और हम इस तरीके से यहाँ 1st कॉर्ड को लेंगे और पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से पूरी पाइपिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम अब दूसरा कॉर्ड पकड़ेंगे, पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ 5 लाइन कंप्लीट की उसी तरीके से यहाँ भी 5 लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी इस पाइपिंग को पूरा करते आएंगे तो इस कॉर्ड से भी हम पाइपिंग करेंगे इस वाली रो पे। जिस तरीके से यहाँ किया उसी तरीके से इधर भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप मेरी दूसरे साइड की पाइपिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 5 रो कंप्लीट हो चुके हैं।
और अब हम एक माइक्रम का तागा लेंगे, अलग से एक पिंक कॉर्ड लेंगे और उसको बीच में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। पहले देखिए जो दोनों साइड के पाइपिंग के तागे हैं उनको क्रॉस कर लीजिए, एक दूसरे की साइड कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए और फिर उनके बीच में इस तरीके से इसको एक नॉट यहाँ पर मतलब अटैच कर लीजिए, इस तरीके से हल्का सा नॉट लगा के, देख सकते हैं आप। देखिए इसको अच्छे से अटैच कर लीजिए जिससे कि बटरफ्लाई के माउथ वाला हिस्सा बनेगा। इससे देखिए बटरफ्लाई का जो आगे का जो माउथ बनेगा वो इसी कॉर्ड से बनेगा और काफ़ी अच्छा लुक आता है। इसको इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। अटैच कर लीजिए, लाइटर की सहायता से इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर सकते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने फर्स्ट कॉर्ड को उठाना है और पाइपिंग करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा लूज पाइपिंग कीजिए, थोड़ा मतलब पाइपिंग तो टाइट करनी है लेकिन ऊपर से थोड़ा पाइपिंग मैंने इस तरीके से डिस्टेंस लास्ट में लेना है, हमने अब छोड़ देना है, इन दोनों को पाइपिंग नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट से धागा पकड़ेंगे और अपनी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। लीजिए देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करते हुए कॉर्ड को आप लीजिए जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आए। देख सकते हैं आप इसी तरीके से बनाओगे तो आपकी बटरफ्लाई काफ़ी अच्छी बनेगी। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है। साथ ही ऑल के बटन को क्लिक करें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। देखिए इस तरीके से हमने कॉर्ड लेके पाइपिंग अपनी कंप्लीट करनी है। देखिए अब इसमें हम लास्ट के दो कॉर्ड छोड़ देंगे। देखिए इसमें थोड़ा तागा कम पड़ रहा है, मैं जॉइंट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने तागा जॉइंट कर लिया है, फोर्थ रो है। और देखिए इस कॉर्ड को इस तरीके से लेंगे और अपनी पाइपिंग हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब जिस तरीके से यहाँ कंप्लीट किया उसी तरीके से यहाँ भी कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम फर्स्ट कॉर्ड लेंगे और अपनी पाइपिंग करेंगे। जिस तरीके से यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से रखा इसी तरीके से इसमें भी हम फिर डिस्टेंस रखेंगे और लास्ट के दो कॉर्ड डिस्टेंस से यहाँ पर नहीं रखेंगे, इन दोनों को पाइपिंग नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ ऊपर रख दिया है डिस्टेंस। सकते हैं मेरी वन रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरा कॉर्ड लेंगे और दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से फोर रो कंप्लीट करके आप भी काफ़ी अच्छी दिखाता है बनने वाली है क्योंकि मल्टी कलर में, अब देखिए मल्टी कलर में ही क्योंकि बटरफ्लाई काफ़ी अच्छी लगती है।
देखिए इस वाले कॉर्ड को हमने पहले छोड़ा था, अभी इसी को भी हम लेंगे। इसको भी लेके इस तरीके से हम पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है, अब इस कॉर्ड को लेंगे और अपनी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए जैसे हमने एक साइड पाइपिंग कंप्लीट की थी वैसे अब हम इस पाइपिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे और देखिए काफी सुंदर बटरफ्लाई बनके रेडी होगी हमारी। बटरफ्लाई बन के रेडी हो चुकी है, जो भी एक्स्ट्रा तार है उसको हम कट कर लेंगे और लाइटर की सहायता से हम फिर इनको पीछे ऐसे लाइटर की सहायता से फिर हम इनको पीछे की ओर चिपका लेंगे। जो पहले वाला कॉर्ड था इसको भी यहाँ पर हम लेंगे और पाइपिंग करेंगे। ये देखिए पहले वाले कॉर्ड को भी लेके हम पाइपिंग अपना कम्प्लीट करेंगे। अब इसको मेरी बटरफ्लाई बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से यहाँ भी मेरे फोर रो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ फोर रो कंप्लीट किए उसी तरीके से इधर भी फोर रो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या करना है एक्स्ट्रा कॉर्ड्स भी कट कर लिए हैं और इन्हें स्टिक कर लेना है। बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है और काफी अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप